Hello beautiful people, welcome back to my channel. I am Sara Varsi and you are watching Happy Villa. So, आप सब कैसे हैं? Hope आप सब ठीक होंगे. हम भी ठीक हैं. गर्मी से परेशान हैं. It's okay, we all are in this together. तो आज का टॉपिक है How do we judge people so quickly? Of course, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कहीं ना कहीं. जितना भी कह लें कि we don't have any judgmental type of mindset. वी हैव कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना उतना. कल मैंने भी किया तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये मैंने गलती की. तो वहीं से मुझे थॉट आया कि आई शुड मेक दिस वीडियो ऑन इट. लाइक बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम सबको जज करते हैं. किसी ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है, ऐसा कलर क्यों पहना है, उसे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, कैसा ख़राब लगा, उसने कैसी लिपस्टिक लगाई है, ओह माय गॉड कितना मेकअप किया है, अरे यार थोड़ी काली है, ये है वो है. तो ये सारी जजमेंट्स होती हैं. ये जो बेसिक जजमेंट है जो हम एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, मन ही मन करते हैं. ज़रूरी नहीं आप किसी दूसरे बंदे से कहो तभी हो जाए. जब आपने माइंड में अपने वो ख्याल लाया कि जैसे लाइक कहीं भी आप बैठे हुए हो, आपने उस पर कोई भी थॉट बना लिया और उसको अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा है उसका कि यार कितना भद्दा लग रहा है, कैसे का कलर पहना है, कितना ख़राब शेड लगा है लिपस्टिक का, कितनी डार्क लगी है, कितनी लाइट लगी, कितना मेकअप है. Who the hell are we? Nobody, nothing. तो please stop judging people like this. उन्हें करने दो ना. अगर like देखिए जैसे कोई middle age में है, like 40 या 35 middle age आंटी या अंकल है, अगर वो अपनी खुशी के लिए मिडीज़ पहन रहे हैं या वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं या किसी भी तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, सो यार ये आंटी है, इनकी उम्र देखो, इनके कपड़े देखो, ये कैसे के पहने हुए हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी उम्र नहीं देख रहे हैं और अपने शौक देखो. इट्स ओके यार, इफ़ इट मेक्स देम हैप्पी. अगर उन्हें ये सब करके अच्छा फील होता है, वो खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश हैं ये सब चीज़ें करके, तो हम कौन होते हैं उन पर कॉमेंट्स करने वाले. ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी को जज करना चाहो तो अपने दिमाग में एक ही थॉट लाना, और ये कि क्या पता ये करने से उसे खुशी मिल रही हो, क्या पता ये चीज़ करके वो अच्छा फील कर रहा हो या कर रही हो. इट्स ओके, नोबडी इज़ परफेक्ट. इवन आई एम नॉट, यू आर नॉट, नोबडी इज़ परफेक्ट. डार्क मेकअप कर रहा है, इट्स ओके, मे बी उसे पसंद हो. कोई मेकअप नहीं कर रहा है, मे बी उसे पसंद हो. कोई लिपस्टिक लगा रहा है, मे बी उसे पसंद हो. नहीं लगा रहा है, मे बी उसे पसंद हो. आई डिड इट लास्ट नाइट और आई रियलाइज दिस, सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. एंड ओके, एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, और उस एक्सेप्ट करने के बाद उसे दोबारा ना दोहराना वो भी और अच्छी बात है. सो आई रियलाइज आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डोंट जज एनीबडी वेदर उसका स्किन कलर काला है, गोरा है, सांवला है, या उसके कितने ही पिंपल्स हैं, या पिंपल नहीं है, या वो नाटी है, पतली है, मोटी है, भद्दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार. वो एक इंसान है हमारे जैसे, हम कोई सेम नहीं हो सकते, सब अलग अलग होते हैं, सबका ड्रेस सेंस अलग अलग होता है. तो प्लीज़ जज ना करें किसी के भी अपीयरेंस से, किसी की भी हरकतों से. और कभी कभी हमारी ये जजमेंटल जो थिंकिंग होती है ना, वो सामने वाले को बहुत अनकम्फर्टेबल फील कराती है. तो उस फीलिंग की वजह से कभी कभी सामने वाले से वो गलती हो जाती है, वो एक्टिविटी हो जाती है जो वो शायद कभी ना करे. तो और अगर हो भी जाए तो जस्ट इग्नोर देम, डोंट लाफ ऑन देम. कभी भी किसी पे हंसो मत, ओके. प्लीज़ जज मत करो, प्लीज़. बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. जब मैंने किसी कल किसी को जज किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वाई आई एम डूइंग दिस. मतलब हु एम आई टू जज देम. यार वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हो सकता है कि वो उसे ये चीज़ करके खुशी मिलती हो, हो सकता है कोई मुझे भी जज करता हो, राइट. मैंने क्या पहना है, किस तरह की चप्पल पहनी है, किस तरह की ड्रेस पहनी है, क्या ज्वेलरी पहनी है, कोई हमें भी जज कर सकता है, है ना. तो हमें कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा. सो इस चीज़ पे तो वीडियो बनाना है, क्योंकि सब जज करते हैं यार, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, और वो चाहे जितनी हाई सोसाइटी से, वो चाहे जितना वो कह ले कि नहीं आई डोंट जज पीपल, मैं बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ, बहुत ओपन माइंडेड हूँ. नो,
आप कहीं ना कहीं किसी को जज कर रहे होते हो, वेदर उसकी लैंग्वेज को लेकर, उसकी एक्सेंट को लेकर, और उसके कपड़ों को लेकर, उसके रंग को लेकर, उसकी किसी भी तरह की अपीयरेंस को लेकर आप जज कर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सभी चीज़ों में जज करो, किसी एक चीज़ को लेकर भी जज कर देना। तो अपने ऊपर फोकस करो, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें किस तरह रहना है, हमारी खुशी किस में है, क्योंकि हम वही करते ना जो हमें अच्छा लगता है, तो अगले को भी वही करने दो। कमेंट मत करो, बुरे बुरे कमेंट्स मत करो। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या वो कोई चीज़ करके उसे अच्छा फील हो रहा है, सो उन्हें बुरा फील मत करो उस बारे में, उनकी ज़िंदगी है, जीने दो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और आपने कभी किसी को जज किया है या आप जज हुए हो किसी के ज़रिए, तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो, इट्स फ्री बाय द वे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।